नहीं यार, इनमें से तो कोई नहीं। वो तो लंबा सा, छोटे छोटे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, कुछ ऐसा था। सर, मैंने देखा था उसे। हाँ? उसने हमारी जैसे यूनिफॉर्म पहनी थी, लेकिन वो हमारा वेटर नहीं था। मतलब? सर, मैंने उससे बात की थी कि तुमने हमारे जैसे कपड़े क्यों पहने हैं। बोला मैं इस घर का सर्वेंट हूँ, इसलिए मैंने कपड़े पहने हैं। नहीं 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 नहीं, वो हमारा सर्वेंट नहीं है। तो फिर कौन है? कुछ तो झोल है यार, कौन हो सकता है यार? क्या गन नहीं मिली? गन नहीं मिलेगी तो तनुजा को कैसे टपकाऊंगा? बहुत काम है, जल्दी जल्दी चलो। फोन का अंदर भूल गया शायद। गॉड, गन नहीं तो छुरा ही सही। आज इस पार्टी में इसी छुरे से तनुजा को टपका डालूंगा, लेकिन इतनी भीड़ में मैं उसके पास पहुंचूंगा कैसे? उसका भी इंतजाम करता हूं। सॉरी सॉरी, अरे देख के नहीं चल सकते क्या? ये तो वही वेटर है, डैम इट। ऐसे क्या देख रही है? मैं तो तुझे ना आशीर्वाद देने आई थी, कोई चोरी करने थोड़ी आई थी। जी, मुझे आशीर्वाद दे रही थी। ए, रुक रुक, यही रुक, हो रुक। अरे ये अचानक लाइट को क्या हो गया? नकुल बेटा, जरा फ्यूज चेक करना। ऋषि भाई रोको से, ये तनु, ये इसके हाथ में चाकू है। तनुजा तनुजा तनुजा, तमजो तमजो तमजो।
मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। पापा जी मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। दौड़ो जाओ। हाँ बताया जा छेती पूरे दौड़ जा आराम से। बस हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे अभी कुछ नहीं हुआ तो हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या लगता है मर जाएगी? कुछ नहीं होगा तुम्हें तो कुछ नहीं होगा बहुत जल्द हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। समझा तुम घबराओ मत बस हम बहुत जल्दी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। कुछ कुछ नहीं होगा तुम्हें समझा। अरे गाड़ी साइड में लो। अरे गाड़ी साइड में लो बातें करनी है गाड़ी साइड में रोक के बातें करो यार चुप है। गाड़ी चलाते फोन पे बात करते मतलब एम्बुलेंस को रास्ता दो यार गाड़ी मतलब पी के गाड़ी चलाते हैं स्टूपिड लोग हैं बेवकूफ पढ़े होकर अनपढ़ लोग होते हैं। तुम टेंशन मत लो बस हम हॉस्पिटल पहुंचे हैं। जिंदगी का हर एक पल कितना कीमती होता है पता एक एक पल में कितना खुश हो जाता है इडियट लोग। गुस्सा नहीं मैंने तुम्हें कितना परेशान किया है और तुम मेरी कितनी परवाह कर रहे। मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता हूँ। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ तनुजा तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुमने कभी मुझे छोड़कर जाने की सोची भी ना तो मतलब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। याद रखना इस बात को जहां भी होगी दुनिया से निकाल कर तुम्हें ढूंढ निकालूंगा तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। कैसे जा सकती हूँ तुम्हारे लिए तो वापस आई हूँ। मैं मरना नहीं चाहती मैं जीना चाहती हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए कसम से कसम तेरे प्यार की। क्या कसम है
जिगर भगवान भी मुझे अपने पास बुला लेना, मुझे इस दुनिया से उस दुनिया में बुला ले, तो मैं उनसे भी लड़के वापस इस दुनिया में आ जाऊंगी, उस दुनिया को इस दुनिया में ले आऊंगी, सिर्फ तुम्हारे लिए फिर से जन्म लूंगी, फिर से आऊंगी इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारे साथ जीने के लिए, तुम्हारे साथ जो कसमें वादे खाई है उनको निभाने के लिए। हॉस्पिटल पहुंच गए, चलो डॉक्टर, तुम जब हॉस्पिटल आओ डॉक्टर। कुछ नहीं होगा तनुजा, तनुजा कुछ नहीं होगा तुम्हें। क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? पागल तो तुम हो गए हो पूरब। मैं पागल हो गया? तुम्हारा वो गुंडा अगर गन यूज करता तो तनुजा मर चुकी होती। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तनुजा बच जाएगी, देख लेना तुम। नहीं पूरब, वो बचे ना बचे, अब हम नहीं बचेंगे। उस गन के ऊपर मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं। जब मैंने उस गन को साइड पे फेंका था तब मैंने उसे अपने हाथ में उठा के फेंका था। मैं शेखर की जैसे जेल नहीं जाना चाहती, और अगर मैं जेल गई तो तुम भी नहीं बचोगे। शकल क्या देख रहे हो, चलो। अरे डैड, ऋषि भाई फोन नहीं उठा रहे। अरे पुत्र गाड़ी चला रहा होगा, ये डॉक्टर से बात कर रहा होगा। पापा जी, मैंने FIR लॉन्च करा दी है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने शुरू कर दी है। एक बात समझ में नहीं आ रही, तनुजा की किसी के साथ ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है, ऐसी दुश्मनी कि उसकी जान लेने की कोशिश करे। पूरब, ये सब जरूर उसी का क्या करा है, क्योंकि तनुजा ही तो है जो उसे उसके शहर से दूर रख रही है। पॉसिबल, ये सब मेरी गलती है, मुझे तनुजा से नहीं करवाना चाहिए था। नहीं नहीं, मुझे तनुजा से ये सब नहीं करवाना चाहिए था। बाबा जी आप क्या कह रहे हैं? राजी, हिम्मत से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। वो बहाना, पुत्र मेरे कहने का मतलब ये था कि तनुजा ने पूरब को पार्टी के लिए इनवाइट किया ना, मुझे तनुजा को रोकना चाहिए था, उसे पूरब को पार्टी में इनवाइट नहीं करने देना चाहिए था। पापा जी आप क्यों गिल्टी फील कर रहे हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और रही बात उस पूरब की, वो कितने ही घटिया इंसान क्यों ना हो, एटलीस्ट वेल एजुकेटेड, तो उसको एटलीस्ट इतनी समझ होगी कि किसी को जान से मारने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। और मुझे क्या लगता है, ये बेहुदा हरकत ना उस मलाइका की, आई एम श्योर। मंत्री, हाँ तनुजा को कुछ बता दे जरा। नहीं वो एक मिनट, क्या हुआ ऋषि भाई? अरे भाई कब से फोन कर रहा हूँ आपको, कहाँ हो यार? छोटे मैं देखो, I'm really sorry भाई, actually क्या है ना, वो गुंडा ना हाथ से चला गया, पर वो यूवी भाई ने FIR कर दी है। हाँ बहुत जल्दी पुलिस पकड़ ली, अब टेंशन मत लो। नहीं, वो तो पकड़ा जाएगा। देख बात ऐसी है कि वो तनुजा को खून चाहिए और यहाँ ब्लड बैंक में ना वो खून अवेलेबल नहीं है। खून चाहिए? तुझे याद है वो आना को मलेरिया हुआ था तो तनुजा ने ब्लड दिया था? हाँ मतलब जहां तक मुझे याद है वो ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव। ठीक है भाई, मैं आहना को लेके आता हूँ। थैंक यू। एक मिनट, अंदर लोग हुए तो गेस्ट होंगे तो अच्छा ही है ना, चुपचाप जाके गन ले आएंगे। चलो को यार, अगर चाबी लिए तो मुझे दिखाओ। अरे ये रही
देखो मंत्री, तुम एक चाबी भी ठीक से नहीं रख सकते, जल्दी चलो ना। चल तो रहा हूँ। अच्छा सुनो सुनो सुनो, ऋषि भाई को फोन करके बोल दो कि तुम तनुजा को ब्लड दे रही हो और अब तनुजा को कुछ नहीं हो। सब कुछ ठीक हो जाए, जल्दी चलो। चला रहा हूँ। हाँ फोन करो भाई को। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो बच जाएगी, बच गई ना। अब इतना सोचो मत, चुपचाप जाके गन लेके आते हैं और जो काम यहाँ पूरा नहीं हो पाया वो हॉस्पिटल जाके पूरा करेंगे। लेट्स गो। थैंक यू हाना, थैंक यू वेरी मच। मैं तुम्हें अपने आप से कभी दूर नहीं जाने दूंगा तनुजा। इस जन्म, उस जन्म, हर जन्म कसम तेरे प्यार की। कोई भी नहीं है, जल्दी से ढूंढो गन को। हाँ हाँ जल्दी से। यहाँ तो नहीं है, कहाँ गई? बैग में डाल करो। ये दोनों कबूतर फिर से यहां आ गए? अब किसे चौंच मारने आए हो? हम देखने आए थे कि तनुजा ठीक है कि नहीं। तनुजा को देखने आए थे? वो तो हॉस्पिटल में है। पर तुम लोग घर में कैसे घुसे? बीजी, हम लोग गए ही नहीं, हम लोग यहीं थे। एक्चुअली हमने सोचा कि एक बार तनुजा की न्यूज मिल जाए तो तसल्ली हो जाए, फिर निकल जाएंगे। तुझे तनुजा की बहुत फिक्र है। अब बीजी फिक्र तो होगी ना, लेकिन अगर तनुजा ठीक नहीं हुई तो 5 दिन के बाद वो कोर्ट में कैसे आएगी? और वो कोर्ट में नहीं आएगी तो मुझे 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 मेरा शेयर कैसे मिलेगा? तो एक्चुअली मुझे तनुजा की फिक्र नहीं, मुझे अपने पैसों की फिक्र है ना। हो गया, अब दोनों निकलो। और सुनो, ये पर्स भी लेती जाना। अब बीजी मैं ले लेती हूँ। भारी क्यों है? कॉस्मेटिक्स, इसमें मेरा कॉस्मेटिक्स है। अब अपना कॉस्मेटिक्स और अपने आप को लेके दोनों निकलो यहाँ से। हाँ मलाइका, लेट्स गो। थैंक यू। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। चलो तुम्हें जूस पिला दो, कमजोरी हो रही होगी। राइट, तुम में कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या? ये भी तुम मुझे मिल गए। स्ट्रेंज नहीं? जूस, चलो। डॉक्टर, 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 तनुजा कैसे? शी इज फाइन नाउ। डॉक्टर थैंक यू सो मच, डॉक्टर थैंक यू सो मच, डॉक्टर थैंक यू, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपने इन्हीं हाथों से ऑपरेशन किया था, यहाँ दिखाई आपने, वो होश में आ गई है ना? हाँ। तो फिर आप इतनी बातें क्यों कर रही हैं? अरे डॉक्टर कितनी बातें नहीं करते, मैं तनुजा से मिलकर आता हूँ। तनुजा कैसी हो तुम ठीक हो ना? स्टूपिड बेवकूफ उल्लू, नहीं मतलब ये कोई सवाल होता ऑब्वियसली तुम ठीक नहीं हो। पता है मुझे मुझे इस बार डर नहीं लगा। पूछो क्यों? क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिए वापस आई हो ना, तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, इसलिए ये मतलब जो मैं सोच रहा हूँ वैसे कुछ है ना, मतलब
बोलो ना, ये बस ही कुछ मतलब है ना? मैंने जो कुछ भी तुमसे बोला उसका हर एक लफ्ज सच था। वैसे मैं नहीं जानती मैंने क्या बोला, पर जो भी बोला सब सही था। मैं सच में तुम्हारे लिए लौट के आई हूँ। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। जा भी कैसे सकती हूँ, तुमने मुझे इतना तंग जो किया है, अभी चुन चुन के उसका बदला भी तो लेना है ना। मुझे लगा कि वो मैंने सुना। क्या? नहीं, मतलब मैं सुनना चाहता था कि मुझसे प्यार करती हो इसलिए छोड़ के नहीं जाओगे। पता नहीं कितना फ्लर्ट कर रहे थे उस डॉक्टर के साथ, गोल गोल घूम रहे थे, और सब जानती हो, सब देखा मैंने। हाँ, मैंने इसके इसके हाथों को चूमा। पर कहते हो कि मुझसे प्यार करते हो, तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या तनुजा? नहीं बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी, थोड़ी शर्म कर लो। कैसे मिस्टर हस्बैंड हो तुम? यहाँ तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल के बेड पे पड़ी है, उसको स्टिचेस लगे हैं, और वहाँ तुम बाहर फ्लर्ट कर रहे हो। वो डॉक्टर दृष्टि। हाँ, डॉक्टर दृष्टि, उसकी दृष्टि में घुस के पता नहीं क्या कुल खिला रहे थे, तब फ्लर्ट कर रहे थे उसके साथ। अब देखो अगर मेरी वाइफ ही ऐसी तो मैं क्या करूँ? नहीं मतलब तुम बताओ, पत्नी जो है वो मतलब किसी और को गले लगूंगा ना, और खासकर वो डॉक्टर जो इतनी हॉट है, मतलब। और पता है क्या, मैंने बचपन में सपना देखा था कि मैं एक बार डॉक्टर शादी करूंगा। डॉक्टर ऋषि सिंह बेदी की वाइफ, डॉक्टर ऋषि सिंह बेदी, ये बात। लेकिन शादी तो हुई खड़ूस ऋषि सिंह बेदी से। अब किस्मत किस्मत की बात है। अरे हाँ, वो थैंक्स आना को बोलो, उसने अपना खून दिया तुम्हारी जान बचाई। आना ने खून दिया? अरे पर मैंने खून नहीं दिया तो क्या हुआ भाई, मैंने बहुत काम किया, मेहनत की, तुम्हें ऐसे उठाकर लाया वहां से, तो उठाना कम है क्या? हीरो की तरह यूं करके उठा के लाया तो एक तो बनता है। चलो, खाना बाहर है। हाँ वो आना बाहर है ना, उसे बुला दोगे प्लीज? बुला देता हूँ, सही बुला देता। मैं अंदर जा रहा हूं। I'll make sure that she's dead. यहां गाड़ी में बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। जब उसके आसपास वहां बहुत लोग होंगे, तुम इतना बड़ा रिस्क लूंगा? मैं ये रिस्क लूंगा, लेकिन अगर तुम पकड़े जाओगे तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी फंस जाऊंगी। I don't care. मैं बस इतना जानता हूँ कि आज की रात तनुजा की जिंदगी की आखिरी रात होगी। अरे नर्स तनुजा। सर आपकी वजह से मुझे डांट पड़ गई। मेरी डांट? क्यों भाई, मैंने क्या किया? सर डॉक्टर दृष्टि ने बताया कि आप आईसीयू रूम में बिना कपड़ों के चले गए। बिना कपड़ों के? आई मीन सर, आप हॉस्पिटल के कॉस्ट्यूम में नहीं गए आईसीयू रूम में, ये हॉस्पिटल के रूल्स के खिलाफ है। आईसीयू रूल्स भाई, आईसीयू रूल्स। तो आना बिना कपड़ों के? नहीं मतलब वो इन्हीं अपने घर के कपड़ों में गई, तो उसका क्या हुआ? आप चेंज करके आइए, मैं उन्हें बोल दूंगी। अच्छा ओके, थैंक यू। मिसेस तनुजा सिंह बेदी कौन से वार्ड में? मैं उनके हस्बैंड का भाई हूँ। वो अभी तो आईसीयू में है, लेकिन नाउ शी इज फाइन, उन्हें जल्दी दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा।
थैंक यू वेरी मच। तुम अब ठीक हो ना? तुम्हारे और ऋषि के होते हुए मुझे कैसे कुछ हो सकता है? तुम दोनों हो ना? सबसे पहली बात तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने वाला है, और दूसरी बात हम अकेले नहीं है आना। हाँ दी, आना और ऋषि के होते हुए इस दुनिया में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। देखो आना, अरे ये आना कहाँ है? नहीं वहाँ मनप्रीत ने। क्या वहाँ से क्यों रही हो? हमने अपने आपको देखा है, कितने फनी लग रहे हो। फनी? बाय द वे, मेरा मिस्टर हस्बैंड कहाँ है? वो जिसके बड़े बड़े सिंग, मतलब सिंघम पति। ओह, मेरे सामने तो खड़ा है। सामने तो मेरे कोई फ्रॉक पहन के खड़ी है। ये फ्रॉक नहीं, ये यूनिफॉर्म है। मतलब अगर ये हॉस्पिटल के रूल्स है, अगर आईसीयू में जाना हो तो यही पहन के जाना पड़ता है, ओके? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ ना, तुम मुझे कुछ ना कुछ सुनाते रहती हो और मैं तुम्हारे पास आते रहता हूँ। इट्स ओके। सॉरी। सॉरी क्या, तुम मुझे सुनाती रही थी, मैं फिर आकर तुमसे बदले लेता हूँ। मैं मतलब कुछ ऐसा करता हूँ कि तुम मुझे सॉरी बोली रहती हो, तो स्मार्ट कौन हुआ? मैं, आई एम द स्मार्टेस्ट। चलो अब बहुत बातें होगी, चुपचाप लेट जाओ। चलो ऐसे ही बैठे रहोगे रात भर? चलो आराम करो। चलो मैं बस बाहर ही वेट कर रहा हूँ। चलो बाहर ही वेट कर रहा हूँ, एक मिनट। देखो ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, अगर तुम यहाँ रुकने की सोच रहे हो ना तो सोचना भी मत। ये आईसीयू है, वो तुम्हें यहाँ नहीं रुकने देंगे। I see now, you see. तुम जानते हो कि मैं ICU में तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा, right? I'll be right outside at your service, your highness. ऋषि, please घर चले जाओ। अगर तुम्हें जगह होती, तो क्या तुम घर जाती? हाँ, हाँ। झूठ। साफ तुम्हारी आंखों में दिख रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। लंदन स्टैचू। कभी कभी मुझे तुम्हारी दादागिरी बहुत अच्छी लगती है। मतलब तुम जो नहीं भी बोलती हो ना, वो मुझे सुनाई देता है। जैसे तुमने अभी थैंक यू बोला, थैंक यू कि मैं बाहर तुम्हारे लिए वेट करूंगा, आ रहा हूँ। मतलब तुमने बोला नहीं पर मुझे सुनाई दे गया, तो नहीं ऐसा ही कुछ है ना? बोलो ना, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? फाइन। ओह, क्या हुआ? मैंने तुम्हें कहा है कि घर चले जाओ, और प्लीज अब जाओ, मुझे सोना है। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। मैं देखो बाहर आईसीयू के बाहर वेट कर रहा हूँ, ओके? दैट्स इट। ऋषि सोच लो। सोच लिया। नहीं मतलब तुम बाहर कंफर्टेबल नहीं रहोगे। थैंक्स टू माय वाइफ, मुझे काउच पे सोने की आदत हो गई है। आई मैनेज। तुम्हें शर्म नहीं आती है अपनी बीवी की बुराई कर रहे हो मेरे सामने? वो है ही बहुत खड़ूस, मैं क्या करूं? काम कर दे। बीवी को पता ही लगेगा, तुम और मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं। अफेयर तुम्हारे साथ? नेवर, नो वे।
ओके बाय। और मुझे इतना पता है एक दिन तुम मेरे साथ फेयर जरूर करोगी। मैं बाहर वेट करता हूँ। बाय। करोगी फेयर जरूर करोगी। ऐसे दिख रहे हो जैसे मेरे सामने कोई फ्रॉग पहन के खड़ी हो। फ्रॉग? अरे तनुजा ने वही कहा, तुम भी वही कह रही हो। लगता है मतलब लड़कियों का कोई स्पेशल कनेक्शन है। तनुजा ने भी वही कहा। हाँ। एनीवे ये आप बोल देना। हाँ भाई एक मिनट। ओके। तो यार ये बहुत मशहूर था, ऐसे क्या हो गया? चलो एनीवेज। अच्छा सुनो ना, अब बाहर चलते हैं ना यार, थोड़ी बाहर की हवा शवा खा के आते हैं। गुड आइडिया, मैं इसे देख रहा हूँ, तुम लोग चलो। चलो सी यू, जल्दी आना। हाँ जल्दी आता हूँ। हाँ आई एम सॉरी डॉक्टर, सॉरी, रियली सॉरी। ये आपका स्टेथोस्कोप गिर गया। आप ही का है ना? भाई चलो ना यार, चलो लीडर। तनुजा को बचाने वाला एक ही था, वो भी गया। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। देखा भी नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी के कहने पे वहां आया हो? और किसके? कौन हो सकता है? डॉक्टर आप यहां? ये तो डॉक्टर दृष्टि की पेशेंट है, मैं उन्हें इंजेक्शन देने आई हूँ। आप शायद गलत आ गए। आई एम सॉरी। क्या हुआ, ऐसे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं ऋषि, पहले तुम कितने बेफिक्रे थे, कभी किसी के बारे में नहीं सोचते थे, और अब तुम्हें तनुजा की कितनी फिक्र है। उसे जब भी कुछ भी होता है तुम उसे बचा लेते हो, जैसे आज फिर बचा लिया। नहीं आज, अब आज तुमने बचाया है, तुमने उसे खून दिया। मैं तो बस उठा के उसे हॉस्पिटल तक मतलब ले गया।
क्या हुआ, आप क्या सोच रहे? नहीं नहीं कुछ नहीं, ये सोच रहा था कि जब से वो मालकिन बनी है यार, अब हमारी जिंदगी में एक एक फर्क सा आ गया है। नहीं नहीं, मतलब जुबान से बहुत तीखी है, मतलब मिर्ची है, पर देखो ना, हमारे साथ उसने होली खेली, फिर मेरे अवार्ड जीतने पर उसने पार्टी रखी। यार जो भी कहो, जिंदगी हमारी सुधर सी गई है। नहीं अच्छी अच्छी लगने लगी अब। सो तो है ऋषि, मालिक चाहे तुम हो या तनुजा, पर हम सबकी जिंदगी तो सुधर गई है। वो तो है। Anyway, चलो बहुत रात हो गई, तुम दोनों घर चलो। मैं नहीं, मैं ना तुम्हारे। अरे मैंने कहा ना कि वो डॉक्टर ने कहा है कि वो डेंजर के बाहर है, कल डिस्चार्ज हो जाएगी, कल हम साथ मिलके उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे, साथ मिलके उसे घर ले जाएंगे। क्या बात है, क्या जल्दी हो रही है अंदर आने की इनको। बड़ी जल्दी हो रहा है वो, अभी तेरे को बता। अरे अरे ऋषि भाई, अरे छोड़, अरे ऋषि भाई, अरे आगे बता ना यार। गुड इवनिंग मैम, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब बस तो मुझे नींद नहीं आ रही है। यस मैम, आपकी सर्जरी हुई है ना, शायद इसलिए आपको नींद नहीं आ रही है। मैं आपको इंजेक्शन लगा देती हूँ, ठीक हो जाएगा। मैम अब ट्राई कीजिए, आपको नींद आ जाएगी। लाइट्स ऑफ कर दीजिएगा प्लीज। यस मैम। या आई एम एट द हॉस्पिटल ओनली। या द सर्जरी वेंट फाइन। या थैंक यू। मेरा भी दिन आएगा, फिर देखना बेटा। तेरे ही दिन चल रहे हैं। सॉरी बोल, नहीं बोल रहा। सॉरी 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 सॉरी। थैंक गॉड, अगर आज तनुजा ठीक होती ना तो मुझसे कंप्लेन कर देता आपके। यार पता नहीं तनुजा पर अटैक किसने किया है, जिसने भी किया उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे हम नहीं छोड़ेंगे, अब टेंशन मत, गिव मी हग। टेक केयर। टेक केयर। चलो सी यू। सी यू, टेक केयर। चलो हम पापा में बोलना कि हम बस जल्दी आ। ये लो गेट खोल दिया, चला लो गाड़ी। थैंक यू सो मच, जाओ। चलिए भाई। तनुजा पर आखिर ये अटैक किया किसने? बड़े अजीब लोग हैं, लाइट ऑन करके चले जाते हैं। जल्दी तनुजा को मार के बाहर आओ ताकि हम यहां से जा सके, लेकिन उससे पहले ये गाड़ी मुझे हटानी होगी। बहुत ताने मारे थे ना मुझे, आज सबका हिसाब एक साथ।
तनुजा ए छोड़ तू छोड़ तनुजा को तनुजा तनुजा कुछ नहीं होगा तुम्हें मैं मलाइका कहाँ हो तुम? अरे ऋषि यहाँ पर आ गया था तो मुझे वहाँ से गाड़ी हटानी पड़ी। अच्छा ठीक है मैं घर जा रहा हूँ, तुम वहीं आकर मुझे मिलो। अब लेकिन क्या हुआ, मार दिया तनुजा को? तुम घर आओ, मैं तुम्हें मिलकर बताता हूँ। ठीक है। वाह, तनुजा को छुरी लग गई, पर इस घर में किसी ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। वाह, कौन हूँ मैं, होती कौन हूँ मैं? और उसके ऊपर ऋषि, मेरा ऋषि उस तनुजा को हॉस्पिटल ले गया, पर इस घर में से कोई उसके साथ नहीं गया। क्यों? अगर इतनी हमदर्दी थी तो एम्बुलेंस बुला लेते ना, ले जाती उसको। पर नहीं, उसे तो उसको उठा उठा के घूमने का जो शौक है, होती है। पर मैंने उसको फोन भी किया, पर उसने मेरा फोन भी नहीं उठाया। पता नहीं, कुछ भी तो नहीं हूं मैं इस घर की। लो इन्हें देख लो, घर में छुरियां चल गई और कहा हैंगिंग गार्डर गए थे। हाँ, कहाँ गए थे? एक मिनट, हम लोग हॉस्पिटल गए थे। तनुजा ठीक है, कल तक वापस आ जाएगी घर। वाह वाह, कमाल। देखो इसे बोलते हैं सपूत, विजय और आपके पोते, इनको अपनी माँ से नहीं, ये जो माँ की दुश्मन है ना उससे प्यार है, उससे हमदर्दी है ना तुम लोगों को। हम क्या कर सकते, दुश्मन है इतना प्यारा। प्यारा तो ठीक है, प्यारा दुश्मन है ना, जाकर उससे बात कर। मॉम मेरी बात तो सुनो। मेरे कहने का क्या मतलब है पता है? मेरे कहने का ये मतलब है कि उसने प्यार से लूटा है ना हम सबको। हाँ, तो उस लुटेरे का दिल लूटने के लिए, मतलब दिल चुराने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए प्यार लुटाना पड़ता है। हाँ, मतलब ये कि ऋषि भाई वो ही कर रहे हैं जो आपने बोला है उनको करने को, उसको प्यार से पटाओ जिससे सारी की सारी प्रॉपर्टी वो हमारे नाम कर दे। हाँ, अरे तो ऋषि भाई वो ही तो कर रहे हैं मॉम। हाँ, और ये जो आना है ना, अब आपको पता है जब से तनुजा इस घर की मालकिन बनी है ना मॉम, तब से आहना उस तनुजा से नफरत करती है। हाँ, फिर भी इसने ब्लड दिया, उसको डोनेट किया है मॉम। हाँ, आपको पता है क्यों? अरे क्योंकि ऋषि भाई ने कहा था, अरे ऋषि भाई ने कहा था कि अपना खून दे दो तनुजा को, तो इसने दे दिया। अरे लुटाने को, प्यार दिखाने को। एक्चुअली क्या है ना मॉम, कि मैं, ऋषि भाई और आहना हॉस्पिटल में अपना फेक प्यार दिखा रहे थे, लुटा रहे थे। पर आपको पता है, जब भी आप ऋषि भाई और तनुजा को देखेंगे ना साथ में प्यार करते हुए, आपको लगेगा कि ऋषि भाई एक्चुअल में सच्चा वाला प्यार करते हैं तनुजा से, पर वो फेक है। हाँ, एक्चुअल में थोड़ी ना करते, दिखा रहे। पर मॉम दिस इज नॉट फेयर। मॉम, हम लोगों ने इतना सब कुछ किया आपके लिए, और यहाँ ना इसने तो ब्लड भी दे दिया अपना, फिर भी आप हम लोगों पे शक करती हैं। मतलब दिल तोड़ दिया मॉम आपने मेरा, सच में अब यकीन ही नहीं है आपको मुझ पे। नहीं मेरा सोना, मेरा मोना, I'm sorry बोला ना बाबा, अब छोड़। आराम से ठीक है। अब मैं बस दो मिनट में आया, वो हॉस्पिटल अथॉरिटी से कह दूं कि बाहर सिक्योरिटी लगा दे। ऋषि प्लीज मत जाओ, कहीं मत जाओ। तब तुम जो मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, अब मैं यहां इसी कमरे में रहूंगा। अरे थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गया, तुम्हारी ऐसी हालत होगी तनुजा, बस एक बार पता लग जाए कि वो कौन था, उसे किसने भेजा था, फिर देखो मैं क्या करता हूं। मैं जानती हूं उसे किसने भेजा था। किसने? तुमने। मैंने? तनुजा तुम सोच में, मैं ऐसा क्यों करूंगा? नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी
क्योंकि तुम इस रूम में सोना चाहते थे। मैं इस रूम में हाँ सही कहा तुमने, मैंने ये सब कुछ किया सही कहा बिल्कुल, क्योंकि मैं इस रूम में सोना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा तुमने। आउच सॉरी, अपने मैनेजर अपने मतलब अपने एम्प्लॉय का मैनेजिंग डायरेक्टर से दोस्ती करना चाहोगे? गुड ऑफ मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर हो तो मेरी इतनी परवाह क्यों करते हो? पर मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं क्या? मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता, तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत। तुम प्यार करो ना करो मैं तुमसे हमेशा प्यार करते रहूंगा।